इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। दो फ्लैश बम उनके घर की तरफ दागे गए। ये फ्लैश बम घर के बाहर बगीचे में गिरे। हमले के वक्त ना तो नेतन्याहू घर पर मौजूद थे और ना ही उनकी फैमिली। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। हमला किसने किया है, वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली है। ये हमला उत्तरी इसराइली शहर कैसरिया में स्थित प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुआ है। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की है। कहा कि जांच चल रही है। सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गविर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई सभी सीमाओं को पार कर दी गई है। आज रात उनके घर पर फ्लैश बम दागना एक और लाल रेखा को पार करने जैसा है। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से जरूरी और कठोर कदम उठाने को कहा है। आपको बताते चलें कि इससे पहले 19 अक्टूबर को भी नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया गया था। तब हमले की जिम्मेदारी लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने ली थी। उस वक्त भी नेतन्याहू के घर पर कोई मौजूद नहीं था। बाद में नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्ला की बड़ी गलती है। इसराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। इस बीच लोग इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। माना जाता है कि इसराइल के पास मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए दुनिया का सबसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी इसके रडार में ड्रोन नहीं आ पाते। इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल ड्रोन बनाने में अक्सर काफी कम सॉलिड मटेरियल का यूज होता है। ये तेज गति वाले रॉकेट्स और विस्फोटकों की तुलना में कम गर्मी पैदा करते हैं, इससे उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट लेरन एंटे भी बताते हैं कि ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, अगर उसे देख भी लिया जाए तब भी उस वक्त उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें विस्फोटक भरे होते हैं। इससे घरों और लोगों का नुकसान हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। जानकारी जुटाई है वैष्णवी और अर्पित ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं है, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी है, पूछेंगे महीप सिंह। कहां गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सबसे इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ, फटाक से जाइए thelallantop.com की वेबसाइट पर। उसके माथे पर एक चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की तजुर्बों की ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में, लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।